This movie uncoded by Patchy 87. मरने से पहले मेरे डैडी ने मुझसे कहा था कि बुढ़ापे में इन चीजों को संभालने में बहुत तकलीफ होती है, ऑनर, आजादी, न्याय और परिवार, ये चीजें खास हैं। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं और सभी यही करते हैं। ये एक किनारा है जो आपको घर का रास्ता दिखाता है। यकीन रखिए, आप हमेशा घर जाने की कोशिश करते हैं। देर हो रही है। अब हमेशा ना कहते हैं। अच्छा, तो तुम खरीदोगे? नहीं, आप खरीदोगे। ओके, तो आज हम क्या खरीद रहे हैं? फ्रूट तारे चाहिए। ओके, फ्रूट तारे। क्या मैंगो ले लें? तुम्हारे पिता रीडर थे, चर्चिल और फॉल्कनर उनके पसंदीदा लेखक थे। उन्हें शरीर पर टैटू बनाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते थे। मैंने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, तुम्हें और सख्त बनना पड़ेगा। जो जॉइंट ऑपरेशन कोस्टारिका में किया गया था, इसलिए एम्बेसडर मार्गोलिस को बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। मनीला इंटरनेशनल स्कूल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली। ले लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू मैम। कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें वही जवाब चाहिए? ये सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। आज तुम फिर लेट हो गए देव। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या तुम सच में सीरियस हो?
मैंने अब तक ये किसी को नहीं बताया। लेकिन मुझे तुम नर्वस लग रहे हो। ये पहली बार है, पता नहीं कैसा लगता होगा। हे, शर्माओ मत तुम। हे, हाँ? तुम्हें पता है ये पिता बनने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। हे सुनिए सब लोग, रोक पिता बनने वाला है। अभी मैंने तुमसे क्या कहा था? यार तुम्हें इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि तुम कितने अच्छे पिता बनते हो। कल मैं और जैकी बीच पर घूमने जा रहे हैं। तुम सैंडी और बच्चों को ले आना, मैं बोर्ड ले आऊंगा। लेकिन मैं सर्फ नहीं मुझे करता। पता है तुम सर्फ नहीं करते, पर ये सब करना पड़ता है। बार में तुमने सबको सब कुछ बता दिया, पर कल की बात पर अड़े रहना। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। तुम्हारे डैडी कहते थे कि सख्त रहो। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि वो सिर्फ टैटू बनाने वाले की बात नहीं करते थे। जातिवाद और अव्यवस्था दुनिया भर में चल रही है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है। इससे दर्द होगा? दर्द तो नहीं होगा, लेकिन लगेगा कि चींटी ने काटा है। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्रिस्टो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। एक रुको, मैं नीचे आ रही हूँ। जैसा तुम कहो बॉस। सफर कैसा रहा? सुबह ही मैं कोलंबिया से निकला हूँ। एक दिन में ही तुम कोलंबिया से यहाँ आ गए? आराम से। लोगों का कहना है कि क्रिस्टो के पास बेशुमार दौलत है। ऐसा है क्या? हाँ, और वो यहाँ के समुदाय के लोगों में बहुत कुछ देता है। मेडिकल क्लिनिक, स्कूल्स, पॉलिटिकल डोनेशंस। इसको तुम क्या कहोगे, यही डील है। वो लोग उसके वफादार हैं। डीईई ने कब उसे हमारे हवाले किया था? जब उसके 707 को रोका था, जिसमें बहुत सारे हथियार थे। लैंगली ने बताया था कि एनएसए के जवानों को क्रिस्टो का जिहादी नेटवर्क जो साउथ एशिया में चल रहा है, वहाँ उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि क्रिस्टो और उसका बचपन का दोस्त दोनों मिलकर ये नेटवर्क चला रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तुम्हारे दादा ने B-24 चलाते हुए अपनी जान कमाई थी। उन्होंने प्लेन को ऊपर ही रोक कर रखा ताकि सभी लोग कूद सकें। फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया। उनका ही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। डैडी, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तुम मेरे साथ आना चाहती हो? पता है वहाँ कितनी ठंड है। एक काम करो, तुम अभी अपनी मम्मी की मदद करो बेबी को संभालने में। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर जाऊँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ अभी खेलो। क्या कर रहा है यार? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है तुम्हें पुश्तैनी जायदाद मिली है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है जो हर कोई कर सके। सब करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। तुम्हारी इतनी बड़ी बच्ची है और तुम्हें सर्फिंग नहीं आती? जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अपने लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल है। क्या तुम पानी में उतरने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन आगे तुम रहो। शर्मिंदा मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम्हारे डैडी मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं उनका खास था। हम दोनों ने कई बार एक दूसरे की जान बचाई थी। हम दोनों में भाईचारा था। परिवार से ज्यादा हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे। किसी महान आदमी ने कहा है कि एक लकड़ी को तुम तोड़ सकते हो, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सकते। हेलो। हाँ, तुम बहुत दूर निकल गए हो। देखो जहाँ पर मैं हूँ ना, वहाँ दूसरे माले पर लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, ठीक है? ठीक है, तुम आ जाओ। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इस जगह पर चाइनीज मंगवाया। हाँ तो खाओ। डबल वुड स्कोर 18 पॉइंट्स। जंप? तुम मुश्किल में हो जान। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखा, ये है
ये है मेरे 38 पॉइंट्स। एडम्ब्रेटिंग, ये तो कोई शब्द नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि इसका उच्चारण एडम्ब्रेटिंग है, इसका मतलब दावा करना या ढोंग। तो बताओ आज का खाना कौन मंगवाएगा? मैं। कभी कभी अफसरों को कुछ अच्छे साथी मिल जाते हैं। ये लैंगली ने मुझे कहां किस मुसीबत के साथ फंसाया। बाहर जाओगे तो ही कुछ मिलेगा। मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं? कुछ नहीं। पकड़ो उसे। हमारी बटालियन आगे बढ़ रही थी। वाइमी हमारा स्नाइपर है। 10 साल पहले वो किसी स्टोर में नाइट शिफ्ट की पहरेदारी करता था। वो ऐसा पहरेदार है जो सोती हुई दुनिया की निगरानी करता है। उसका एक परिवार है। रे के जरिए हम संपर्क करते थे। हमारा तकनीकी सहायक, उसकी परवरिश एले के गैंगलैंड में हुई थी। उसे सिल्वर स्टार मिला है घायलों को युद्ध क्षेत्र से बाहर लाने के लिए। सनी, वो पत्थर का बना हुआ है। वो कभी पुशअप्स नहीं करता था, उसे डर था कि इससे उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी। अजय ने 30 साल की उम्र में टीम ज्वाइन की थी। वो पहले मुआय थाई फाइटर था। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। माइकी 20 सालों से टीम में है। वो बहुत ही सीधा साधा और नेक बंदा है। वो अपनी बीवी की तस्वीर हेलमेट में रखता है और उसके बाल पर्स में। हवा की तरह शांत। और ये हैं हमारे चीफ। इनके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता मैं। उनके इंटरोगेशन के डर से दुश्मन सब कुछ कबूल कर लेता था। घर पर वो आखिरी रात सोच रहे थे कि वो कितने अच्छे पिता और पति बन सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कैसा लगता है जब हम अपनी एनिवर्सरीज भूल जाते हैं? तुम इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपको समझेंगे, लेकिन उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। जब तुम घर जाओगे तुम वहीं से शुरुआत करोगे जहां से छोड़ कर आए थे। क्या बात है चीफ, आप जा रहे हैं? सुनिए सीनियर, आप मुझे कुछ मिनट दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। थैंक्स। जवानों, तुम सबको पता है कि मैं सिर्फ काम के बारे में बात करता हूं, पर जैसा कि चीफ और मैं हमेशा कहते आए हैं बटालियन के बारे में कि एक बार जब हम निकल पड़ते हैं तो अपना काम पूरा करके ही वापस आते हैं और अपना घर परिवार भूल जाते हैं। हम अपनी जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे और अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर देंगे, अगर परिवार की तकलीफ हो, फाइनेंस की तकलीफ हो या कुछ और। लेकिन हमें इन सब बातों को भुलाकर अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। किसी को कोई एतराज हो तो बताओ, मैं चीफ से बात करूंगा। ऐसे ही हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और हम सबको जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होगी। हमारा पूरा ध्यान मिशन पर होना चाहिए। ये उनके लिए जो नहीं रहे, और ये हमारे लिए जो हमारे जैसे हैं, जो बहुत कम है। Cheers. मुझे जेम्स नाम पसंद है। अगर लड़का हुआ तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। ओके। मुझे तुम पर फक्र है। थैंक्स बेबी। ए शैतान, तुम्हें अपनी मामा को आंटी कैरोल से दूर रखना है। मुझे उनका सिगरेट पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं समझ गई लेफ्टिनेंट। ओके। तुम चिंता मत करना। ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा। तुम अपने बाल बढ़ाकर रखना, तुम पर अच्छे लगते। और कोई हुक्म है मेरे आका? हाँ, बच्चे के जन्म के वक्त मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगा।
आई लव यू बेबी। लव यू टू। युद्ध देश के लिए जरूरी है, सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं। अगर तुम अपना सब कुछ न्यौछावर नहीं करोगे तो तुम हार जाओगे। हम उसे यहां पर ले आए हैं पर उसने गिलबर्ट को मार डाला। बॉस वो यहां पर है। मैंने क्या किया है? मुझे यहां क्यों बांध कर रखा है? मैं मैक्सिको में एक डॉक्टर हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे ये बताओ कि तुम अमेरिकन सबको कमजोर क्यों समझते हो? मेरे काम में दखलंदाजी करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मेरा नाम लीसा वॉन्ग है, मैं मैक्सिको में एक डॉक्टर हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने पहले ही बताया कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि तुम कौन हो मिस मोरालेस, और मुझे ये भी पता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। तुम मुझे वो बताओ जो मुझे लगता है कि तुम जानती हो। अब बताओ कि तुम क्या काम करती हो। तुम जैसे कमीनों की माँ का इलाज करती हूँ। कमीनों? कैसा लग रहा है मिस मोरालेस? Have a great day at the spa. अपना स्पीकर बंद करो। उसे जिंदा रखना और तब तक मुझे फोन मत करना जब तक वो कुछ नहीं बताती। ठीक है बॉस। कुछ बताना चाहोगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। ए दोस्तों, क्या चल रहा है? बाहर दो चूहे आराम से घूम रहे हैं। अफ्रीका की गर्मियों में टार्जन भी नहीं रह पाया। कोई बात नहीं, गुनेगारों को पकड़ना है। लाइट्स, 3 दिन पहले CIA एजेंट वॉल्टर रॉस और मिस लीसा मॉरल्स पर उनके ही होटल के कमरे में उन पर हमला हुआ था। यहाँ कोस्टरिका में कुछ हथियारबंद अनजान लोग थे। इस हादसे में मिस्टर रॉस का मर्डर हो गया और मिस मॉरल्स को अगवा कर लिया गया। हमें यकीन है कि इस काम के पीछे मिकेल ट्रिकोविच AKA क्रिस्टो का हाथ है। LT आपको उनके बारे में बताएगी। थैंक्स सीनियर। मिकेल ट्रिकोविच AKA क्रिस्टो, हमें यकीन है कि ये आदमी हथियारों के लिए कोकीन का व्यापार करता है। रशियन माफिया फक गर्लिस के साथ मिलकर और मैक्सिकन लोगों के साथ सन 1990 के दशक से ही काम करता है। अब अगवा होने से पहले मिस मॉरिस ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि क्रिस्टो और इस अबू शबाल के धंधे के बारे में। अल्लाह की मर्जी से उसने हमें मुस्लिम बनाया है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमने जिहाद का रास्ता अपनाया है। अल्लाह उस पर रहमत करेगा उस कयामत के दिन तक। मैं तुम अमेरिकन्स को स्पष्ट बता दूं कि हम लोग तुम लोगों से अलग नहीं हैं। हम लोग किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं हैं। तुम अमेरिकन्स गलती से या जानबूझकर हम पर अपना कानून लादने की कोशिश करते हो। तुम ये चाहते हो कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सब तुम्हारे गुलाम बन जाएं, पर हमें अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। अल्लाह का रहमो करम हम पर हमेशा के लिए बना रहेगा। अमेरिका कभी सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक कि हम मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। अल्लाह हो अकबर। अबू सबाल एक चेचन टेररिस्ट है। बेसलैंड के स्कूल हादसे में उसका हाथ था। इंडोनेशिया और फिलीपींस में जो ट्रेनिंग कैंप लगते हैं वहाँ वो आता जाता रहता है। क्रिस्टो और अबू सबाल के बीच में क्या रिश्ता है ये अभी तक एक राज है। अगर इन दोनों में कोई रिश्ता है तो इसी कारण से मिस मॉरल्स को अगवा किया गया है। सीनियर राइट, मिस मॉरल्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और किसी का कोई सवाल? हाँ चीफ, आपके पास उनके बारे में और कोई जानकारी मौजूद है जिससे हमें मदद मिल सके इस ऑपरेशन के बारे में? शायद 8 से 10 लोग हैं, इससे ज्यादा जानकारी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को ये ध्यान में रखकर जाना होगा, वो लोग 8-10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सीनियर, उन लोगों के पास किस तरह के हथियार हो सकते हैं? भारी हथियार? वो लोग आम आदमी नहीं, आतंकवादी हैं। उनके पास कुछ भी हो सकता है जो रशिया से मिला हो, जैसे कि उनके पास M2 HP 50 कैल्स हो सकता है। तो तुम्हें रॉकेट का सहारा लेना होगा उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए। इंसान और रॉकेट का कोई मुकाबला नहीं, तुम्हें ध्यान रखकर चलाना होगा। और कोई सवाल? आपको कुछ पता है वो जिंदा है या मर गई? उनके कमरे में बहुत खून था,
जांच करने पर हमें मिस्टर रॉस और मिस मॉरेल्स के खून के नमूने तो मिले। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें ये मानकर जाना होगा कि वो जिंदा है और उसे बचाकर सही सलामत लाना है। दो मिनट में तुम्हें नीचे उतरना है। एल्टी, क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन है ताकि मैं उसका बैंड बजा सकूं? कौन सा आदमी? अरे वही जिसने तुम्हारे बाल काटे हैं। मजाक कर रहा है। hey, सोनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उस आदमी से मिले हुए हो। इसका मतलब है कि मेरा सर तुम्हारे सोने के दांत से ज्यादा चमक रहा है। ऐसा मत बोलो। मास्क मास्क लगा लो। दोस्त, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। इस काम से अच्छा काम बाप बनना है, पर वहाँ तुझे सिर्फ डायपर से बदलने पड़ेंगे। सैंडी मेरे लिए ये काम हमेशा करती है। मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लैक बियर्ड मैन, ये ब्लैक बियर्ड एक्चुअल का रेडियो चेक है, ओवर। ब्लैक बियर्ड मैन, ये ब्लैक बियर्ड एक्चुअल है, ओवर। रोजर लीमा चार्ली, हमने तुम्हें सुन लिया है। रोजर मैन, हम जमीन पर उतर चुके हैं, हमने टीबर्ट क्रॉस किया है, बताइए क्या हमारे आसपास कोई खतरा है? से दूर हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। ये QRF दुश्मन हो सकता है। ये बहुत ही छोटा टारगेट है। तुम्हारी मदद के लिए सुबह 6 बजे स्विफ्ट बोट्स आ जाएंगी। ओके, ओवर। रोजर मैन। तुम तैयार हो? रोजर दैट सर, हमें सुबह तकरीबन 4 बजे तक तैयार हो जाना है। बाहर निकालो।
बी फ्लैश, ये ब्लैक बियर्ड का रेडियो चेक है। ब्लैक बियर्ड बी फ्लैश, मैं तुम्हें यहाँ से अच्छी तरह से सुन सकता हूँ। रॉजर बी फ्लैश, तुम कितनी देर में मुझ तक पहुँच सकते हो? बस 20 मिनट में। रेवन, ब्लैक बियर्ड रेवन तुम्हारे लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। राइट की तरफ पहरा बिल्कुल सख्त रखना। बिल्कुल ध्यान देते रहना। मुझे क्यों बांध रखा है? मैंने बताया ना कि मैं कुछ नहीं जानती। सर, हमें जाना होगा। रॉजर, तैयार रहो। मुझे लगता है कि हमें अभी यहां से निकलना चाहिए। चीफ, एसबीटी एक कदम हमारी तरफ बढ़ गया है। रेवन भी हमारी तरफ आ रहा है। वायमी और मैं यहां से अच्छी तरह निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक बियर्ड को रिपोर्ट भी करना है। हम यहीं रुकेंगे। समझ गया सर। राइट पकड़ो। ओके सर। बी प्लैश, ये ब्लैक बियर्ड है। हम टारगेट की तरफ वक्त से पहले ही निकल चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सपोर्ट मिले। ब्लैक बियर्ड, दिस इज बी प्लैश। बहुत अच्छे, तुम्हारी मदद के लिए हम लोग सिर्फ 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। फ्लैश, ये ब्लैक बियर्ड है। रेवन पर मेरा पूरा कंट्रोल है। चीफ, तुम पहुंच गए? चीफ, रुक जाओ। सीधा टावर के नीचे। ओके सर। रास्ता साफ है।
छोड़ना नहीं किसी को। पीछे के दरवाजे से दो लोग बाहर आए। किसी को छोड़ना मत। भाई में राइट में एक ट्रक की बगल में। चीफ, मैं माइकी के पास जा रहा हूं। एलटी, दिस इज चीफ, टारगेट सिक्योर। अब ये हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन एक बुरी खबर है, माइकी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया है। इट्स ओवर। रॉजर, टारगेट तुम्हारे साथ है। चीफ, मुझे उसका मोबाइल मिला। एलटी, एलटी। चीफ, ऐसा लगता है कि उत्तर की तरफ से दो गाड़ियां आ रही हैं। हम में से एक नहीं रहा, तुम पीछे के दरवाजे से ट्रक लो और हमसे मिलो। मिस मोरालेस, आपको घर ले जाने आए हैं। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी माँ का नाम क्या है? रोजालिस। आप कहां पर पैदा हुई थी? हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, यहीं पर रुकिए। वी फ्लैश क्यूआरएफ, दुश्मन उत्तर की तरफ से आगे बढ़ रहा है। रोजर, दुश्मन उत्तर की तरफ से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। चीफ, तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा फौरन। हम तुम्हें आगे मिलेंगे। रोजर दैट। हे बॉयज, हमें निकलना होगा। शिट सर, दुश्मन बहुत नजदीक आ गया है। देखिए सर। मैम, हम आपको बाहर ले जा रहे हैं। हे चीफ, गोली इसकी आंख के पास से कान को छूकर निकल गई है। ये जिंदा है, हमें अभी बाहर निकलना होगा। वाइमी, बाहर आओ। चलो चलो, हम तो रैली पॉइंट पर मिलेंगे। चलो चलो, जल्दी जल्दी करो और जल्दी चलो। चलो जल्दी करो, राइट में, राइट में। हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे? कैसे भी बाहर निकलना होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ रहो भाईजी। उठो उठो भाईजी, उठो उठो मेरे यहाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उठो उठो, जल्दी उठो। अरे उठ जा मेरे भाई की दोस्त, उठ जा। रास्ता साफ है। रॉकेट आ रहा है। चलो जल्दी करो, जल्दी से नहीं चलो।
आपकी M4 दे दीजिए। सर वो बोट्स कहां तक पहुंची है? मेरा वी प्लेस से संपर्क टूट गया है। उनसे कहा था टारगेट पे जल्दी जा रहे हो तो जल्दी आना। रोजर है। ए माइकी, फुट फुट मेरे यार। और भी हमारे पीछे है। तुम भी गोलियां चलाओ। गोलियां चलाओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है।
रुकिए, कौन है आप? ये मेंडलसन है? नो, ब्राह्म्स। तो केरिमोव कहां है? तो तुम शवाल हो? तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब कुछ मेरे पास है। इधर आइए, ये देखो, ये बिल्कुल हल्का है। तुम इसे कपड़ों के अंदर पहन सकते हो, बिल्कुल फिट रहेगा। अब इधर आइए, ये देखिए, इसके अंदर छोटी सी सेरेमिक की बॉल बेयरिंग्स है जो बिल्कुल अनोखी हैं। ये कोट में लगी हुई होती हैं और बारूद से भरी हुई होती हैं। ये अपने आप में बिल्कुल नया तरीका है। आइए देखिए, इसमें आपको कुछ नया नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन इसका धमाका बहुत बड़ा होगा। ये नए तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मुझ पर भरोसा रखो। दुनिया में ऐसे बहुत कम हथियार हैं। जो मरने के लिए तैयार है वही आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल आप जैसे बहादुर लोग ही कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। देखो, एक मिनट, एकदम अविश्वसनीय है और यह डिटेक्ट भी नहीं होता है। तुम इसे पहनकर आसानी से व्हाइट हाउस में घूमकर भी आ सकते हो। इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ। तुम्हारे पास साइबेरिया जाने का वक्त है। जानते हैं, इसके धमाका होने के बाद हर चीज पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाती है। जरा तुम सोचो कि 500 बुलेट्स तुम्हारी तरफ आ रही हैं तबाही मचाने। तुम इस कोट को पहनकर भरे हुए स्टेडियम में बहुत ही आसानी से जा सकते हो, और कैसिनो में या फिर शॉपिंग सेंटर में भी, और साथ में किसी भी न्यूज चैनल में भी जा सकते हो। मैं सच कह रहा हूं, बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ सकते हो तुम। दोस्त, जरा खुद को देखो, तुम वैसे ही लग रहे हो। क्या मैं आपका कोट निकाल सकती हूँ? नहीं, ठीक है। तुम्हें पता है कि पुराने दोस्तों से मिलने पर पुराने दिन याद आ जाते हैं, और ये बहुत निराशाजनक होता है। कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है। इतने सालों तक मैंने सबको अपने साथ लाने की कोशिश की। Hey, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए यूरी। ये मेरा नाम नहीं है। मुझे पता है, मोहम्मद अबू सबाल, द सन ऑफ सबाल। कम ऑन, तुम्हारे पिता का नाम यवकिनी है। चीजें बदलती हैं। हाँ, चीजें बदलती हैं। मुझे लगता है कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, दोबारा मिलना मुश्किल है। मुझे छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। मुझ पर CIA की नजर है और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं अपने परिवार को दक्षिण में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं अमेरिकन से लड़ सकूं। हमारी डील हुई है। मिखाइल एक साल से हमारे बंदों को ट्रेनिंग दे रहा है और मैंने अपना सब कुछ उसमें दाव पर लगा दिया है। डील वही रहेगी यूरी। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा और इसकी कीमत नहीं लगा सकता। अभी बहुत कुछ करना बाकी है मेरे दोस्त। करना है यूरी, पर मेरे बिना करना है। तुम्हें मेरे एसोसिएट्स के साथ काम करना है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। शराब, बकवास बंद करो अपनी बेवकूफ। अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तुम अचानक बदल नहीं सकते। कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं बदल। तुमने मुझे अभी कहा कि सब कुछ बदल चुका है। क्या है वो? पता है यहाँ आने के लिए मैंने क्या किया है? तुम्हें पता है मैंने यहाँ तक आने के लिए कितने लोगों की जान ली है? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। नहीं है, तुम यहाँ आइवरी टावर में रहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है।
हे चीफ, माइकी अब कैसा है? ये अपनी एक आंख गंवा चुका है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ग्रेट जॉब मिस मॉरेल्स को यहाँ लाने के लिए, अच्छी टक्कर दी। ये माइकी के लिए बहुत बुरा था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें जवानों के पास अभी नीचे जाना होगा, समझे तुम? ठीक है। ऑल राइट मिस मॉरेल्स, मॉरेल्स एक स्ट्रांग लड़की है। हमें उसको पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सब हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वो कैसे? मुझे लगा कि ये बस एक छोटा सा मिशन है। हाँ, वो तब तक था जब तक उस जगह से तुमने फोन नहीं उठाया था, और उस चीज को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसमें क्या अच्छा नहीं है? हम जैसा सोचते थे उससे ज्यादा क्रिस्टो और शबाल करीब हैं। शबाल एक जंगली बिल्ली है, वो एक पुराना जिहादी है। उनके पास पैसे या किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, उसके बचपन का दोस्त ड्रग डीलर है। वो कोई डीलर नहीं है, एक स्मगलर है। आप मजाक कर रहे हैं। पहले मैं भी यही सोचता था। शबाल अमेरिकन्स को मारना चाहता है। क्रिस्टो को पता है कि उसे अमेरिका में कैसे लाया जाए। चाइना के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है, वो घर में घुस कर मारेंगे। मेरी अभी बॉस से बात हुई है और स्पेक ओपीएस टास्क फोर्स से, और ये होने वाला है। मुझे 2 घंटे में अजय और रे एसआर के लिए चाहिए। उन्हें यहाँ से दूर अफ्रीका जाना है। अफ्रीका क्यों? तुम्हें जो फोन मिला था उससे हमें ये पता चला है कि शबाल अपने हथियारों की डील पश्चिम में जाकर करने वाला है। आप पश्चिम कह रहे हैं तो कहां की बात कर रहे हैं? पश्चिम मेक्सिको? हाँ, पश्चिम मेक्सिको। वो बहुत बुरा हो सकता है। तुम दोनों और बाकी सबको यहाँ स्टैंड बाय के लिए रहना होगा, ताकि अमेरिका के आसपास कुछ भी हो तो तुम वहां जल्दी पहुंच सको। ओके, ठीक है। किसी सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारे साथ रहेंगे? नहीं। और क्रिस्टो? वो सबको बेवकूफ बनाकर कहीं गुम हो गया है। मैं सील टीम 4 के साथ जा रहा हूँ, और हम उसका शिकार साउथ पैसिफिक में करेंगे, और उसे उसके ठिकाने से बाहर निकाल कर यहाँ लाएंगे। या आपने सही सोचा। cool. अपना ख्याल रखिएगा। बेबी का ख्याल रखना लेफ्टिनेंट। क्या वो सब जानते हैं? सिर्फ खास लोग। खास लोग यानी कि कौन? तुम? ऐसा ही समझ लो। मैं जवानों को खबर करके आता हूँ। एक सेकंड रुको, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं लिखा है। मैं भी आप ही की तरह हूं सर। सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि मैं कमांड से बात करूं और आपको घर भेज दूं, लेकिन यहां काम भी ज्यादा है और आपकी जरूरत भी है हमें। तुम्हें पता है पिछला क्रूस अलंबर? बिल्कुल सर। पिछला मिशन खत्म होने पर तुमने कहा था मैं नहीं होता तो भी चलता। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे यहां नहीं घर पर होना चाहिए था। अगर तुम्हें ऑपरेशन में कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग मेरा इतना ख्याल रखते हो, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मैं तब जाऊंगा जब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं सर कि सब कुछ ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पेपर लेकर जाऊंगा और उससे एक अच्छा प्लेन बनाऊंगा। ऐसा ही करना। जल्दी आने के लिए शुक्रिया। तुम बैठो। थैंक यू। तुम्हारे सर पर खतरा होगा। हम चाहते हैं तुम वहां पर जाओ और हर खबर मुझे आसानी से भेजते रहो। कोई और सवाल है? सर एक सवाल है। हमारे पास टाइम और जगह है। मीटिंग अगर वक्त पर नहीं हो पाई तो क्या होगा?
और हमें वहां पर कब तक रुकना पड़ेगा? सवाल अच्छा है, लेकिन वहां तुम्हें थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। ओके, हम अच्छे हैं शायद। यस सर। जाने के लिए तैयार है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। कैरेट रूम क्लियर। दिखाई दे रहा है? हाँ, तीन गाड़ियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, तेल का ट्रक, दो जीपें और पीछे कुछ आदमी बैठे हुए हैं। उनमें से एक के पास 50 कैल है। सुना तुमने? हाँ, मुझे लगता है प्लेन होगा। हमें नीचे झुकना होगा। ये लोग बिल्कुल समय पर आ गए हैं। मैं अपना कैमरा निकालता हूं। रे, मुझे दो आदमी बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं। हमारी पोस्ट साउथ ईस्ट में है, लेकिन प्लेन पर कोई आईडी नहीं है। तुमने देखा? चेक, प्लेन पर कोई आईडी नहीं है। रे, हमने पिछली बार अफ्रीका में भी यही देखा था। हाँ, तो उससे क्या? दोस्त, यहां 16 फिलिपियंस लग रहे हैं जो इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। फिलिपियंस? हाँ, फिलिपियंस, और वो भी कट्टरवादी। मुझे नमाज पढ़ने वाले दिख रहे हैं और कुछ रशियंस दिख रहे हैं। तुम दोनों यहां आओ। तुमने सुना नहीं कि इन बक्सों को संभाल कर ध्यान से रखना? अगर तुमने इसमें से कुछ गिरा दिया तो हम सब जन्नत में मिलेंगे, और तुम लोग आपस में प्लेन्स बदलोगे, और उस प्लेन से ही तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करोगे। तुम्हें सतर्क रहना होगा, समझ गए ना? एक बार आइलैंड पर पहुंचोगे तो तुम्हारे आदमियों को तैयार होने का वक्त मिल जाएगा। तुम्हारी मदद करने के लिए हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ प्लेन में रहेगा। बुलडॉग, बुलडॉग, रीड्रम, रेडियो चेकिंग, ओवर। गुड चेक, ओवर। रोजर, गुड चेक। हमारे सामने दो सामान लादने वाले प्लेन हैं। उन्होंने ईस्ट की तरफ उड़ान भरी है, हमें बताई हुई दिशा की ओर। टेन, पापा, लिमसीरा। टारगेट पहुंचे तो हमें बता देना, ओवर। रोजर, कॉपी, दो एयरक्राफ्ट, लोकेशन 10, पापा, लिमसीरा। ए चीफ, तुम विश्वास नहीं करोगे, रे और एजे ने जो प्लेन टैग किया था उनमें से एक मेक्सिको के सेड्रोस आइलैंड पर उतरा है। उसमें शवाल और बहुत सारे जिहादी हैं। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कि हम उन्हें खत्म कर देंगे। हाँ? सीनियर और स्विफ्ट बोट्स जा चुकी हैं, तो हमें देखना होगा कि वो लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ऑल राइट। शिप की लोकेशन मिल गई है, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। पता नहीं कितना समय लगेगा, एक मिनट रुको।
अपना ख्याल रखना। तुम्हें पता है मैं रखूंगा। लव यू। लव यू टू। जॉन, मैं ये नहीं चाहता कि तुम उन लड़कों के साथ खेलो। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? ओके, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही मिलेंगे। सब दिख रहा है। ब्रावो, तुम्हारे सामने एक आतंकवादी है। नीचे झुक जाओ। क्लियर, बिन सिक्योर। सीनियर, यू आर क्लियर। गुड आफ्टरनून, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम हिंदी में बात कर सकते हो? रशियन। तुम रशियन हो? हाँ। मैं रशियन में बात नहीं करता, हिंदी ठीक है? हिंदी ठीक है। चलो बात करते हैं, इसके हाथ खोल दो। हाथ खोलने के बाद तुम मुझ पर हमला तो नहीं करोगे? क्या कहते हो? चलो बात करते हैं। तो तुम रशियन हो? जी हाँ, मैं रशियन हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये मेरा फर्ज था। I'm sorry, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। I'm Otto. Otto. हाँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं क्रिस्टो। केस्टो? क्रिस्टो। मुखर्जी। So how long am I gonna need to keep busting your balls about getting one of those patches? Oh yeah, I think it was like a one-time deal, man. After 9/11, my uncle sent a bunch out for the platoon, but after this go-round, I'll give it to you. No, I'm not gonna take your family crest. All right, good. I didn't want to give it to you anyway. Besides, man, I'm pretty sure I saw you putting something in your cargo pocket the other day. What's that? I know. I've seen you carrying something in that pocket right there. What is it? That's my grandfather's flag. Nice. My pop gave it to me, and now I'm gonna give it to my boy someday. All right. I like that. तुम बहुत अच्छी बोट पर हो, ये वाकई बहुत अच्छी है। इसका नाम स्टारशिप है। स्टारशिप? स्टारशिप बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगा, रशियंस की तरह लगता है। वो जो स्टार ट्रैक पर था उसका क्या नाम था? समथिंग, मुझे नहीं पता। ओहो, तो तुमने कभी स्टार ट्रैक नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम मुसीबत में हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, जो मुसीबत की जड़ है। अभी भी मेरे पास बहुत है। तुम्हारे पास है? हाँ है। ऑलराइट, दुनिया कैसे चलती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। केस्टो, केस्टो नहीं, क्रिस्टो। सॉरी, क्रिस्टो। हाँ ठीक है, सॉरी, सब ठीक है। दुनिया कैसे चलती है मैं बताता हूँ। तो बताओ। अब ये तुम्हारी बोट नहीं रही। जब मैं इस दरवाजे से अंदर आया, तुम वो नहीं रहे जो हुआ करते थे। अब तुम वो नहीं हो। मैं ये सब नहीं रोक सकता। जब तक तुम सहयोग नहीं दोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ।
हम दोनों को साथ मिलकर यह करना होगा, मैं और तुम। तो तुम उन जिहादियों के साथ मिलकर कैसे काम करते हो? तुम जूश हो, ठीक? शबाल वो क्या है? वो ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैं पला बड़ा हूं। क्या कहा? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके साथ तुम पले बड़े हो? हाँ है। तुम्हें उसके साथ सॉकर या बेसबॉल खेलने में मजा आता है, मैंने सही कहा? हाँ, सही कहा। या फिर आप अपने रास्ते पर चलने लगते हो और कुछ सालों बाद वापस मिलते हो, तब शायद हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। वैसा ही कुछ शबाल के साथ हुआ। हमारी पसंद एक जैसी है, तो वो एक आइडिया लेकर आया था जिस पर उसको पूरा भरोसा था, पर मुझे उसकी आइडिया पर कोई खास भरोसा नहीं था। पर वो बहुत शातिर था, जैसे कि तुम हो और जैसे कि ये मान लो मैं हूं। और ये है शबाल। ऐसा है? और अमेरिका बीच में है। अच्छा, अच्छी सोच है ना? तुमने किया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई खेल है? तुम्हें क्या ये कोई मनोरंजन लगता है? मुझे नहीं लगता। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? ब्लैकबियर्ड एक्चुअल, ये ब्लैकबियर्ड मेन है। पोस्ट नेशनल काउंटरपार्ट, सिक्योर टारगेट ब्रावो। ट्राई होल की ये रिपोर्ट है। आप टारगेट अल्फा की तरफ बढ़ सकते हो। रोजर में, हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार को ही जवाब देना पसंद करता हूं, जैसे मेरी बीवी या मेरा बच्चा, और किसी को नहीं। क्या तुम लेट हो रहे हो? शिफ्ट चेंज होने वाली है। सच में? हाँ। तो तुम मुसीबत में हो। क्या तुम अपने परिवार से प्यार करते हो? हाँ, करता हूं। और अपनी बेटी से? मेरी बेटी से मतलब? तुम फिर उसे कभी मिलना चाहोगे? मेरी आखिरी सांस तक। कैसा लग रहा है बेटी? बहुत अच्छा लग रहा है पापा। I love you बेटा। तुमने जो अभी देखा, उन सब के बारे में तुम गंभीरता से सोचो। तुम जेल के किसी कोने में पड़े होगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। तुम्हारी बेटी जब बड़ी होगी तो उसकी शादी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी को कोई और मिल जाएगा और तुम अपना सब खो दोगे। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता जो मेरे परिवार को खतरे में डालता, तो मुझे भी तुम्हारी तरह ही लगता। वादा करो कि तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, वादा करता हूं। क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? सेरेमिक बॉल बेयरिंग्स? नहीं। जरा सोचो कि 16 सुसाइड कोट सेरेमिक बॉल बेयरिंग से भरे हो। मेटल डिटेक्टर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आसानी से उसे ले जा सकते हैं। उससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी खर जाएगी। तो सोचो कि मीडिया उसके बारे में क्या क्या बोलेगी। और 9/11 जैसा बहुत बड़ा हादसा होगा, जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल पार्क में हुआ था। तो तुम बता रहे हो कि 16 जिहादी वहां सुसाइड कोट पहनकर आएंगे, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, तो वो कहां जाएंगे? सैंटियागो, सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन, वो हर शहर में होंगे। क्या वो अभी होगा? ये अभी हो ही रहा होगा। क्या कहा? ये अभी ही हो रहा है। तुम ये सब कैसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकता।
ब्लैकबियर्ड लीड, हम वहां पहुंच गए हैं। रॉजर। ये ब्लैक बियर्ड है, हम शहर के दक्षिण छोर के संपर्क में हैं। लीड, तुम्हारी पोजीशन कैसी है? सब ठीक है, तुम्हारा रास्ता साफ है। ठीक है सर, ठीक है। निशाने पर दो आतंकवादी हैं जो दक्षिण की ओर ट्रक से जा रहे हैं। मैंने देख लिया। ट्रक में बैठे उन दोनों को खत्म कर दो। सब ठीक तो है ना? सब कुछ
सो एलटी आप ठीक हैं? अच्छा हुआ जो आपने उसे देख लिया। हाँ वो बहुत अच्छा था डूड, मैं मारा जाता। हाँ ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से ये इराकी लोगों के आम कपड़े नहीं हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं। हमें इसे कहीं और फेंकना होगा। सनी, इसे फेंकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। टारगेट सिक्योर, जवानों को भेजो, एक उत्तर की तरफ, तीन दक्षिण की तरफ। यहां तुम्हारे टारगेट्स हैं। पूरा हुआ, सब कुछ ठीक है। थैंक्स मैन। एक्चुअल मिशन पूरा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार तुमने अभी तक सिर्फ आधे जिहादियों को मारा है। टारगेट सिक्योर सर, जंग अभी खत्म नहीं हुई। और बाकी के आधे जिहादी सुबह 7 बजे मेक्सिको की सुरंग के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। हम लोग अधिकारियों से सहयोग की बात करेंगे, पर अभी हेलीकॉप्टर तुम्हें शहर के बाहर छोड़ेंगे जहाँ कमांडर पेड्रो है। मैं रास्ते में तुम्हें जानकारी देती रहूंगी। सब कुछ समझ गए? रोचर मैन, ओके, हमें वहाँ पर जाना है। हम मेक्सिको के स्टाफ कमांडर से मिलने वाले हैं, वो इस मिशन में हमारी मदद करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। तुम ये कैसी बातें कर रहे? अभी कुछ और बाकी है चीफ। और बाकी के कहाँ हैं? वो मेक्सिको की बॉर्डर पर है। ठीक है, और बाकी जवान शिप पर कैसे पहुँचेंगे? वो स्टेशन पर ही है और हमारी मदद के लिए नेवी भेज रहा है ताकि हम टारगेट पूरा कर सकें, तब हम उसके साथ चले जाएंगे। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि स्क्वाड 1 और मैं यहाँ से चले जाएं। सही कहा, दूसरा स्क्वाड यहीं रहेगा, मरीन की मदद से काम पूरा करो। ओके। हम उत्तर की तरफ से जाएंगे, सुबह तक क्रॉस कर लेंगे। दूसरा गिरोह तय किए दिन टेक्सास पहुंचेगा, सावधानी पूर्वक, जिंदा ही, मुझ पर भरोसा रखो। जानकारी के अनुसार ये रास्ता स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ जाता है।
सर। लेफ्टिनेंट, तुम्हारी छुट्टियां मंजूर करने के लिए सरकार को वक्त नहीं मिल पा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें एक बात अच्छे से समझनी होगी मुझसे बड़े अधिकारियों से। मैक्सिको के मोगाडिशो से डर लगता है। उनका कहना है कि उन्हें ब्लैक हॉक डाउन नहीं चाहिए, इसीलिए हमें रेडार के पास रहना। मैं सब अच्छी तरह समझ गया सर। गुड, आपकी टीम की यहाँ बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन इस समय हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जाना होगा। बताओ कहाँ जाना? जहाँ से वो लोग बाहर आने वाले हैं। ठीक है, हमारी सूचना के मुताबिक जो मिल्क फैक्ट्री के नीचे सुरंग है वहाँ से आने वाले हैं। तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ है, वो यहाँ से दूर नहीं है। तो हम वहाँ जाएंगे। देखो, मैक्सिको की हर जगह से ये जगह ज्यादा खतरनाक है, इसका पूरा कंट्रोल उनके पास ही है। वो तुम्हें गोलियों से भून देंगे, इतनी आसानी से तुम्हें टारगेट नहीं मिल पाएगा। सर, 8 आतंकवादी हमारे देश की तरफ बढ़ रहे हैं, देखा जाए तो हमारा हित चाहने वाला कोई नहीं है। अगर वो फैक्ट्री में है तो हमें वहीं जाना है। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। बहुत बड़ी लड़ाई के लिए अपने जवानों को तैयार करो। तुम सिर्फ उनसे लड़ नहीं रहे, तुम उनसे लड़ रहे हो जो उनकी मदद करते हैं। अगर वो सुरंग के रास्ते से निकल गए तो वो भूतों की तरह गायब हो जाएंगे। तैयार हो जाओ। तुम्हें इस सुरंग से सीधे जाना है और 7 मील तक चलना है। मेरा आदमी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक बार तुम यहां पहुंच गए तो मेरा काम खत्म, उसके बाद तुम देख लो। हमें अभी जाना होगा। ठीक है रॉजर। चीफ, हम रुक नहीं सकते, हमें उनको मारना ही होगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। Let's go!
सुनो शबाल, हमें अभी निकलना होगा, चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो, तुम्हें यहीं रुकना होगा। दो जवानों को यहां छोड़ो। तैयार रहो, वो आ रहे हैं। कर ये सब करना है। क्या हुआ, तुम अपने पति से जन्नत में मिलोगी। Thank you.
डैमिट सर, ये सब तुम मेरे परिवार को कैसे समझाते? तुम घर जाओगे तो किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। मैंने मार दिया। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करता हूं। सुरंग में चलो, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? असॉल्ट टू, ये असॉल्ट वन है। आपको बताता हूं कि सुरंग सुरक्षित है और ऑपरेशन पूरा हुआ। एलटी और चीफ नहीं रहे। मैं फिर से बता रहा हूं कि एलटी और चीफ नहीं रहे।
तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बिना तुम्हें बड़ा होना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें लगेगा तुम समंदर में अकेले हो जिसका कोई किनारा नहीं। याद रखना कि तुम्हारी रगों में तुम्हारे पिता का खून दौड़ रहा है। जिन उसूलों ने तुम्हारे पिता को बनाया था वही उसूल तुम्हें भी बनाएंगे। तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर जिंदा रहेंगे। तस्वीर में जो लोग हैं उनका बहुत आदर करते थे वो। हमारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, जिसमें हार भी है और जीत भी, जिसमें है दुख आशा और प्यार। एक आदमी जो अपनी भावनाओं और अपने अतीत पर पूरा काबू रख सकता है, यही प्रेरणा तुम्हें अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण खत लिखने में मदद करेगी। You have my deepest condolences. One more flag to present. This one I think you know. On every deployment, Rourke carried this with him. Again, my deepest condolences. Lieutenant, amar rahe! तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे ये कविता तुम्हें देने के लिए कहा था। वो सबकी बहुत इज्जत करते थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं इस खत का प्लेन बनाऊंगा। मुझे लगता है मैं वही कर रहा हूं। उनसे लेकर यह मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम ऐसे जियो कि मौत का डर तुम पर कभी हावी ना हो। उनके जैसा लेजेंड कोई नहीं हो सकता। तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो तुम्हें भी सब इज्जत देंगे। जिंदगी से प्यार करो, ये तुम्हारी जिंदगी है और जिंदगी प्यार से जियो। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और लोगों की सेवा करो। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब तुम उनके जैसा मत बनना जो मौत से डरते हैं। जब उनका आखिरी वक्त आता है तब वो रोते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनको कुछ और वक्त मिल जाए जिंदगी जीने के लिए। अपनी मौत पर खुश हो और हीरो की तरह मरो, जैसे अपने घर जा रहे हो। This movie uncoded by Patchy 87.
smoking fire, I didn't feel a thing. But suddenly I was rising higher, and I felt like I just made the biggest mistake. When I thought about my unborn child, when I thought about my wife, and the answer rang out clear from somewhere up above. No greater gift has man until they damn his life for love. Got a four.